नमस्कार, माय नेम इज सीए प्रवीण शर्मा। आज हम इस वीडियो के जरिए से डिस्कस करेंगे जो भी टैक्स पेयर्स, जो एक बिजनेसमैन अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है और अगर नहीं फाइल होती वो रिटर्न, तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर के आए हैं। लेटेस्ट है कि अगर रिटर्न फाइल नहीं होती तो उसके केसेस में नोटिस दिया जाएगा, ऑर्डर पास किया जाएगा। उस ऑर्डर के बाद यहाँ तक कि प्रॉपर्टी और इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड साथ के साथ बैंक अटैच और रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी किए जा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ये एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए हैं ताकि सबके हर एक टैक्सपेयर से रिलेटेड हर एक टैक्सपेयर को इसके बारे में पता होना चाहिए, ये प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करनी होगी। अब हम एक केस के हिसाब से डिस्कस करते हैं, एग्जांपल के हिसाब से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जनवरी मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है वो 20th फेब को फाइल होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मंथली टैक्स पेयर्स की, मंथली बिजनेसमैन जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उनके केस में बात कर रहे हैं। 20th को फाइल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट एक सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस देगा 17th को, 3 दिन पहले। आप ध्यान में रखेंगे, 17th को एक मैसेज आएगा, नज किया जाएगा कि आप अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करें। अगर रिटर्न फाइल होती है इट्स वेल ओके, बिफोर द 20th के बाद अगर रिटर्न फाइल होती है इट्स वेल ओके, आपको 5 दिन का टाइम और दिया जाएगा और 21st को बोला जाएगा अगर रिटर्न फाइल नहीं होती यू आर अ डिफॉल्टर इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। यहाँ पे हम जो रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल में मंथली रिटर्न पे। यहाँ तक कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बताया गया आपको मंथली रिटर्न और जो आपको क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल होती है CMP 08, एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न जो बिल्कुल अंत में फाइल होती है, इन सब के केसेस में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आया। अब 21st को एक मैसेज आएगा डायरेक्टर को भी, प्रमोटर को भी, पार्टनर को भी और जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस जीएसटी इन पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे 21st को एक मैसेज और ईमेल आएगा कि यू आर अ डिफॉल्टर इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अब क्या होगा, 25th तक आपको अगेन टाइम दिया जाएगा कि आप रिटर्न को फाइल करें। 26th को, 5 दिन बाद, 20th डेट है, 5 दिन बाद 26th को बताया जाएगा और बताया नहीं, आपके डैशबोर्ड पे दिखाएगा, डैशबोर्ड पे दिखेगा, ऑनलाइन दिखेगा, आपके जैसे ही यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड करेंगे लॉगिन पे ही आपको दिखेगा GSTR 3A का नोटिस। उस नोटिस में लिखा हुआ होगा यू आर अ डिफॉल्टर इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, काइंडली फाइल योर रिटर्न। आप अपनी जो रिटर्न है आपने जो फाइल नहीं करी नेक्स्ट 15 दिनों तक आप उसको फाइल करें। इसका मतलब क्या हुआ, 20th से 25th, 5 दिन का आपको ग्रेस पीरियड देने के बाद नोटिस डैशबोर्ड पे दिखेगा, 15 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा, टोटल 20 डेज का टाइम आपको फर्दर दिया जा रहा है फॉर द फाइलिंग ऑफ द रेगुलर रिटर्न। अगर इन 15 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल होती है इट्स वेल एंड गुड, अगर फिर भी रिटर्न फाइल नहीं होती, अब डिपार्टमेंट के पास एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर्स है जिसको हम नाम से ही जानते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन दिनों से पहले आप सेल्फ असेसमेंट पे अपना टैक्स पे करते हो बाय थ्रू योर कंसल्टेंट और थ्रू योर अकाउंटेंट। अब ये 15 दिन क्रॉस होने के बाद डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है, प्रोसीजर्स है कि डिपार्टमेंट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो जीएसटी के सेक्शंस और कानून के अंदर जो बताया गया है वो ऐसे बताया गया है कि जो आपकी GSTR 1, जो आपकी सेल से रिलेटेड जो आपकी रिटर्न फाइल है उसके केसेस में हम आपकी सेल पिक कर लेंगे और आपकी लायबिलिटीज को जनरेट कर देंगे। अब जो आपके 2A के अंदर, इसका मतलब जो मैंने जो परचेज करी है अपने सप्लायर से उसकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे 2A में आ रही है उसको मैं पिक कर लूँगा और आपको उतने का क्रेडिट दे दूंगा। बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होगा विद इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर बताया गया है। अब आप हकर कई केसेस में ऐसे भी है कि कहीं भी GSTR 1 और मेरे 2A में कोई डेटा नहीं आ रहा, आपके 2A से परचेजेस की डिटेल्स पिक की जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको अपने सप्लायर्स को भी बताना पड़ेगा कि मेरी रिटर्न के अंदर, मेरे 2A के अंदर डेटा पिक हो
और आपको अपने सप्लायर्स को भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मेरिट वे के अंदर फाइल होगी रिटर्न और आप अपनी GSTR1 को टाइमली फाइल करें। एक एक्शन दिया जा रहा है कि आपके और आपके सप्लायर के बीच में मैचिंग रेगुलर होती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सप्लायर से इंफॉर्मेशन लेते रहे कि आपने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करी है, मेरे टूए में नहीं आ रहा साहब। अगर मेरे टूए में इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो इट्स वेल एंड गुड, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। टूए में अगर क्रेडिट नहीं आ रहा होगा तो डिपार्टमेंट आपके GSTR1 से डेटा पिक करते हुए ग्रॉस लाइबिलिटी को जनरेट कर देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, लेट फी को कैलकुलेट करेगा। और ये ध्यान में रखें ताकि लेट फी आपकी ना लगे और आपके टूए में डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आए। यहां तक की इंफॉर्मेशन सीमित नहीं है कि वन से मैं डेटा पिक कर लूंगा आपकी सेल्स से रिलेटेड और टूए से पिक कर लेंगे आपके परचेस से रिलेटेड। साथ के साथ ईवे बिल से भी डेटा पिक किया जा सकता है, बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि ईवे बिल कब कब लगना चाहिए और ईवे बिल के इंफॉर्मेशन आपकी अपनी सेल्स से मैच भी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट अगर फर्दर बात करूं तो इस केसेस में प्रीमाइसिस पे जाकर के इंस्पेक्शन कर सकता है और जो भी डेटा आपकी टेबल के ऊपर रखा होगा और जो भी आपकी परचेस सेल इनवॉइसेस होंगी, इवन बैंक स्टेटमेंट भी, उसको भी देख करके आपकी लायबिलिटी को जनरेट कर सकता है। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर बताया गया है कि डिपार्टमेंट के पास ये पावर्स हैं। ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ये ऑर्डर आपको दिखाई देगा आफ्टर 15 डेज, जो हम बात कर रहे थे 15 दिनों की, 15 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपकी रिटर्न टाइमली फाइल हो, अपने अकाउंटेंट को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ये जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उन्हें आप इंफॉर्मेशन टाइमली दें। जब तक आप इंफॉर्मेशन अपनी टाइमली देंगे तभी कंसल्टेंट आपकी रिटर्न को टाइमली फाइल कर पाएगा। यहां तक कि वन जो आपकी GSTR1 है, जो सेल्स की डिटेल है, वो अगर आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है उस केसेस में मंथली फाइल होती है, 10 तक वो भी फाइल हो जानी चाहिए। इवन इस लेटेस्ट GST काउंसिल की मीटिंग में ये भी बताया गया है कि अगर 10th के बाद, 10th और मैं कहूँगा अभी तो ये 11th की डेट है, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, अगर जनवरी की जो GSTR1 है वो 11th फेब को फाइल होनी चाहिए, अगर 11th फेब को फाइल नहीं होती तो यहां भी पेनल्टी के चांसेस हैं, और 20th को भी फाइल नहीं होती तो उसमें भी पेनल्टी तो होती ही है, ये आपको पता ही है। अब यहां क्या होगा, डबल पेनल्टी लगेगी, 100 रुपीज पर डे की। तो इसलिए टाइमली आप रिटर्न को फाइल करें। हम बात कर रहे थे बेस्ट जजमेंट पे, बेस्ट जजमेंट पे अगर रिटर्न फाइल होती है इट्स वेल एंड ओके, पर वहां पे इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ताकि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट प्रोसेस ना कर पाए, मेरी रिटर्न टाइमली फाइल हो। अब फिर भी अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं होती आफ्टर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, उस केसेस में डिपार्टमेंट के पास फर्दर पावर है, कमिश्नर जो आपके ज्यूरिसडिक्शन का है वो रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकता है, यहां तक कि इनिशिएट कर सकता है उस प्रोसीडिंग को। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच किए जा सकते हैं। सावधान रहिएगा कि ऐसी नौबत किसी भी टैक्स पेयर्स के ऊपर ना लगे और वो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करें। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि आज जब मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा तो उसमें यह देखा कि दिल्ली के अंदर ओनली 56% ही रिटर्न फाइल हुई है। यह अचंभा है कि सिर्फ 56% ही रिटर्न फाइल हुई है, इसलिए डिपार्टमेंट ने कोई रिटर्न अपनी टाइमली फाइल कर रहा है, कोई रिटर्न अपनी 6 महीने के बाद फाइल कर रहा है। तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि मैं एक रेगुलर सप्लायर हूं, मैं अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा हूं, आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर रहे हैं, पर उस केसेस में क्या हो रहा है कि मेरे जो सामने वाला जो सप्लायर है वो रिटर्न टाइम से फाइल नहीं कर रहा। उसके लिए ये यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए हैं ताकि सब बराबर आए, सब बराबर चले, मुझे भी टाइमली क्रेडिट मिले, मैं अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल कर पाऊं। पर यहां पे एक परेशानी क्या है, आज की जो बिजनेस की सिचुएशन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 6 महीने का, 9 महीने का टाइम फ्रेम चल रहा है रिसीव का, रिसीपिट का। मैं आज सेल करता हूं जनवरी मंथ में, मुझे पेमेंट मिलती है जून में, दिसंबर में, और मुझे पेमेंट करनी पड़ती है मंथली।
यहां तक कि गवर्नमेंट केसेस में, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केसेस में, वहां भी ये दिक्कत वाली परेशानी है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट भी पड़ेगा। पर ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स है जो डिपार्टमेंट लेकर के आए हैं, ये सबके केस में लागू हो चुका है। जनवरी 2020 से ये फोर्स किया जा चुका है। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जो मेरी सेल ऑफ परचेज और ई वे बिल जितने भी कंप्लेंसेस मेरे हैं उनको मैं टाइमली फाइल करूं, और डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन भी, डिपार्टमेंट भी इसको आगे प्रोसेस ना कर पाए, यहां तक कि प्रोसीडिंग्स और रिकवरी तक प्रोसीडिंग्स की नौबत ना आ पाए, उससे पहले ही मैं अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल करते हुए टैक्स की पेमेंट भी करूं। इससे मेरा इंटरेस्ट भी बचेगा, मेरी लेट फी भी बचेगी, और यहां तक कि एक सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे मेरी रैंकिंग भी बनेगी जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।